थी प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको सर्वर के रन बॉक्स स्टार्ट पे जाना है, रन बॉक्स ओपन करना है, क्या लिखना है MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल कहते हैं इसको। तो इसके अंदर आप कुछ टूल ऐड कर सकते हो, फाइल में गए, ऐड रिमूव स्नैपिन टूल में गए। इसका दूसरा वे है ओपन करने का Ctrl+M शॉर्टकट। इसके थ्रू मैं जैसे एक्टिव डायरेक्टरी एंड कंप्यूटर ऐड कर रहा हूँ, लाइक मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, और एक चीज और ऐड कर देते हैं लाइक IP सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट। लोकल कंप्यूटर पे है तो लोकल कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। DNS ऐड कर देते हैं। तो मैंने जैसे लाइक मैं फोर प्रोडक्ट स्टोर आइटम्स मैं डेली ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मुझे सिक्योर भी रखना है और एक्सेस भी करना है डेली बेसिस को, और मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ रन बॉक्स के शॉर्टकट से, ठीक है। तो ओके करता हूँ यहाँ पर, सारी चीजें एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गई। यहाँ पर google.com डोमेन भी आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे। नाउ अब क्या करना है यहाँ पर, तो फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, सेव एज। यहाँ पर अब अगर इसको सेव करते हैं सी ड्राइव विंडोज एंड सिस्टम 32 के अंदर अगर हम सेव करते हैं इस फाइल को, सिलेक्ट से मैं Tech1 के नाम से इसको सेव करता हूँ। इन कहाँ पर? सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 में सेव किया। सिस्टम 32 पे सेव करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये रन बॉक्स में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा Tech1.msc से ओके करता हूँ तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ये फायदा नहीं है। अगर अब मैं इसके फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शंस में जाता हूँ और अभी देखता हूँ ये कंसोल मोड इसका ऑथर मोड है, यानी कि फुल अथॉरिटी है अभी मुझे। और मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू पे जाके अगर ऐड रिमूव स्नैपिंग पे जाता हूँ तो मुझे ऐड करने की सारी परमिशन है। लाइक मैं अगर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो माय यूजर अकाउंट ऐड किया तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ऐड हो गए, ठीक है राइट। और अगर मैं इसको बाहर जाता हूँ तो इससे सेव करके तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ, राइट। ये हमारा कौन सा था? ऑथर मोड। ऑथर मोड के अलावा दूसरा एक मोड और आता है फाइल मेन्यू पे। अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं, यहाँ पर इसको कर दूं यूजर मोड फुल एक्सेस, और मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ डू नॉट सेव चेंजेस टू दिस कंसोल। ओके, फाइल में जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ Tech5.msc सेव कर देता हूँ इसको ना। अब मेरे पास दो MMC फाइल होगी, एक Tech1 और एक Tech5। Tech5 ओपन करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं, देखो कुछ ऑप्शन चेंज हुआ, ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ मिल रहा है ऑप्शन चेंज करने का? कुछ नहीं। Ctrl+M प्रेस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मतलब हर जगह से मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई चीज ऐड नहीं कर सकता एक्स्ट्रा, सिर्फ चेक कर सकता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने हैं अगर तो वो कर सकते हैं, बाकी का आपका सारा रिस्ट्रिक्ट हो गया जितना है, ठीक है राइट। यही MMC था, इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट पे चला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर MMC फाइल को सेव कर दो तो स्टार्ट एडमिन टूल्स में आपको मिल जाएंगे, यही तो मिल जाएंगे, ठीक है। बस यही था।